इसमें हम परमवीर सिंह और आज की वीडियो में ना हम लोग आगे के रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात करेंगे पिछले वीडियो में हमने दो रिड्यूसिंग एजेंट डिस्कस कर लिए कौन-कौन से H2 H2 विद Ni है ना ये डिस्कस कर लिया था हमने और पॉइजन पैलेडियम के बारे में बात कर ली थी जिसमें हमने लिंगलार्ड कैटलिस्ट और रोजन मून कैटलिस्ट दोनों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं यार जिसने भी वो नहीं देखा है आप वो भी देखो और ये अगले रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात होगी इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे ब्रिज रिडक्शन की है ना एन लिक्विड अमोनिया के अंदर बात करेंगे सोडामाइड की ठीक है दूसरी बात करेंगे हम मेटल की पानी में और एल्कोहल के अंदर ठीक है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट और तीसरी हम बात करेंगे टाइबल एच की ठीक है तो चलो यार वीडियो को शुरू कर देते हैं नोट्स बनाते चलना और सारे क्वेश्चन को पोज करके सॉल्व करना खुद से ठीक है तो चलो यार देखते हैं अपना पहला रिड्यूसिंग एजेंट पहला अपना है कौन सा आज का अपना पहला है एनी इन लिक्विड अमोनिया यहाँ पे हम एनी की जगह है ना लिथियम भी ले सकते हैं ठीक है यहाँ पे हम लिथियम भी ले सकते हैं हमें ना हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लेना होता है यहाँ पे ठीक है और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं है ना क्योंकि इसके साथ रिएक्ट करके अब सोडामाइट ही बनाएगा ठीक है एन ए एन एच को सोडामाइट बोलते हैं ठीक है अब जहाँ पर भी ये रिड्यूसिंग एजेंट दिख जाए ना चार टाइप की रिएक्शन शो करता है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये वाला रिएजेंट ये वाला रिएजेंट जो है ये चार टाइप की ऑर्गेनिक में रिएक्शन शो करता है पहले हम दो डिस्कस कर रहे हैं फिर दो आगे डिस्कस करेंगे सबसे पहली कौन सी है यार देखो सबसे पहली बात आती है ब्रिज रिडक्शन की ब्रिज रिडक्शन यार इसमें क्या होता है देखो रिडक्शन रिएक्शन है देखो इसमें होता है कि नॉन टर्मिनल एल्काइन को ट्रांस एल्कीन में कन्वर्जन क्या नॉन टर्मिनल नॉन टर्मिनल नॉन टर्मिनल एल्काइन को एल्काइन को ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट करता है ठीक है एल्कीन में कन्वर्जन ठीक है कन्वर्जन होता है ठीक है यार इतनी सी बात अब सुनो देखो ये तो हो जाएगा ब्रिज रिडक्शन में अगर टर्मिनल अल्काइन होगा तो उसमें डिफरेंट रिएक्शन होगी और नॉन टर्मिनल काइन होगा तो उसमें डिफरेंट होगा कैसे अगर नॉन टर्मिनल अल्काइन है ना तो वो तो ब्रिज रिडक्शन होगी देखो अभी नॉन टर्मिनल अल्काइन है तो ब्रिज रिडक्शन और टर्मिनल काइन है तो कोई और रिएक्शन होगी वो भी अपन डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले अपन के के मतलब है ना नॉन टर्मिनल काइन है ठीक है ना टर्मिनल नहीं है बीच में एल्काइन ग्रुप बीच में इसमें जब हम एन ए प्लस लिक्विड एन एच थ्री डालेंगे ना तो अपने पास क्या बन के सामने आएगा अपने पास आएगा अब देखो हाइड्रोजन का का एडिशन होगा। पाई का। का एडिशन होगा होगा टूटेगा हाइड्रोजन भाई रिडक्शन है ना कल मैंने बताया था आपको कि तोडो और एक एच यहां पर दो दो और एक एच यहां पर, दो। तो होगा तो पर 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 तो तो होगा होगा कैसे एडिशन होगा? इस आज है। है? केस में कहा जुड़ेगा ट्रांसपोजिशन पे हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन में दूसरा यहां पर ठीक है तो ये ट्रांस एल्कीन फॉर्म होगा ठीक है अगर यहां पर लिंगलाट कैटलिस्ट होता लिंगलाट तो के एच टू पी डी इन सी ए सीओ थ्री यहां अगर ये होता अगर ये होता ना इसके अंदर जब अपन ये डालते तो अपने पास सिस है ना सिस एल्कीन सिस एल्कीन ठीक है ना तो ये दोनों में डिफरेंस था अब यार देखो इस रिएक्शन का ना मैकेनिज्म क्या होता है देखो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं ठीक है इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी देख लो यार अपन तो सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने बैठे हैं ना तो फिर भी अपन मैकेनिज्म करते हैं बस इंपॉर्टेंट तो इसमें यही है कि नॉन टर्मिनल एल्काइन को ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट करता है ठीक है अब देखो फिर भी अपन मैकेनिज्म इसका देख लेते हैं ठीक है ना देखो मैकेनिज्म मकेनिज्म में जब अपन बात करेंगे ना तो अपने पास मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होगा देखो ये अपने पास है ठीक है ना यह नॉन टर्मिनल होगा क्या सबसे पहले ना यह पाइप लगेगा अरे आएगा कि नहीं देखो अब सुनो जब हम इसमें जो अपन ने इसमें सोडियम डाला हुआ है यह सोडियम किस लिए डाला ताकि इलेक्ट्रॉन दे दे कैसे देखो यह सोडियम क्या करेगा यह एन एन ए प्लस में चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन हमें दे देगा ठीक है हाईली यार इसकी आयोनाशियन पोटेंशियल कम है अरे इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल है ना बिल्कुल पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल लेफ्ट साइड बिल्कुल लेफ्ट साइड आता है ठीक है ना तो इसका लो आइनाशियन पोटेंशियल आसानी से एक इलेक्ट्रॉन हमें दे देगा तो अब क्या होगा कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया है ना देखो ये माइनस आ गया अब ये अब इसके पास देखो कार्बन में कितने ए, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके ऑक्टेट में सिक्स इलेक्ट्रॉन है कैसे यार देखो एक दो तीन एक कौन तो टूट चुका है तो एक दो तीन चार पांच छह छह इलेक्ट्रॉन है ना इसके इसमें एक ये अब पॉजिटिव है भूखा बैठा है इलेक्ट्रॉन का तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस इधर आ जाएगा ठीक है ना ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो अब होगा क्या देखो यहां पर फ्री रेडिकल जनरेट होगा फ्री रेडिकल कब बनता है फ्री रेडिकल होता है और इलेक्ट्रॉन सेवन इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन और आएगा इसमें तो सेवन इलेक्ट्रॉन होंगे है ना सेवन इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक की कमी तो फ्री uh, रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट ही होता है ठीक है ना तो यहाँ पर बनेगा अपने पास फ्री रेडिकल यहाँ पर अपना फ्री रेडिकल बनेगा ठीक है ना और यहाँ पर अपना नेगेटिव चार्ज मतलब यहाँ पर अपने पास लोन पेयर है मतलब यहाँ पर अपने पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है जब तो नेगेटिव चार्ज है ना इस कार्बन पे तो सी एच थ्री अब होगा क्या ना इस वाले फ्री रेडिकल और इस वाले लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होगा तो फ्लिपिंग होगी इसकी ठीक है ना ये घूमेगा फ्लिप करेगा अपनी हर कोई या हर कोई स्पीसीज अपना है ना अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए मैक्सिमम रिपेल पोजिशन पर चले जाती है ठीक है ना तो ये घूमेगा किस कैसे घूमेगा देखो अब इस तरह से हो जाएगा ये घूम करके क्या होगा कि ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे ठीक है ना और यहां पर माइनस चार्ज तो पहले से ही था इस कार्बन के ऊपर ठीक है अब देखो अब क्या होगा अब ये जो हमने लिक्विड एन डाल रखा है ना ये इसलिए नहीं डाल रखा है इस, इसका भी अपना एक अलग काम है देखो क्या काम है ये जो लिक्विड एनएच है ना लिक्विड एन ये एन क्या है प्रोटोन डोनर है अभी आप लोग कहोगे यार ये बेस है पर नहीं देखो सी माइनस एनएच से भी तगड़ा बेस है ठीक है एक तरफ आप एन एच टू माइनस लो ठीक है एक तरफ आप सी एच टू माइनस लो ठीक है ना तो ये तगड़ा बेस होगा क्यों क्योंकि यार देखो बेसिक स्ट्रेंथ जब भी अपन देखते हैं ना तो सबसे पहले अपन देख बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जल्दी से दे दे है ना कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी से देना चाहेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी जो इलेक्ट्रॉन को रखना ही नहीं चाहता वो आसानी से देना चाहेगा तो यार कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा तो यहां पर ये कार्बन अच्छा बेस है ना और देखो ये सी माइनस है तो ये इससे प्रोटोन को एक्सट्रैक्ट करेगा क्यों ये रिलेटिव देखना है ना हमें तो तो यहां पर एन एच थ्री है ना एक एच प्लस यहाँ पर डोनेट करेगा ठीक है यहां पर एक एच प्लस डोनेट कर देगा ठीक है तो यहां पर एक एच आ जाएगा ठीक है तो जो इसका था वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा अरे होगा कि नहीं होगा ठीक है ना अब देखो बनेगा क्या फिर इसके बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा आप देखो प्रोटोन डोनेट करते ही क्या होगा कि ये यहाँ पर एच आ जाएगा यहाँ पर सी एच थ्री था ठीक है ना और यहाँ पर क्या था अपने पास लोन पेयर था यहाँ पर एक ठीक है ना लोन पेयर नहीं सॉरी फ्री रेडिकल था अपने पास और यहां पर अपने पास इस तरह से था अब देखो यार ये अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं यार? है यार इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो फिर क्या होगा ये ये एक और एन ए फिर फिर से एक बार मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एक इलेक्ट्रॉन यहां पे फिर से देगा ठीक है एक इलेक्ट्रॉन यहां पर फिर से देगा तो क्या होगा यहां पर लोन पेयर बन जाएगा ठीक है तो क्या होगा इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बनना शुरू हो जाएगा ये एक स्ट्रांग बेस बनेगा तो फिर इस लिक्विड एनर्ज से दोबारा से एक प्रोटोन एक्सट्रैक्ट करेगा है ना एक प्रोटोन एक्सट्रैक्ट इस लिक्विड एनर्ज से एक प्रोटोन एक्सटेक्ट करेगा तो फाइनली अपने पास प्रोडक्ट बन के क्या आ जाएगा सामने ये देखो यार ये अपने पास ट्रांस एल्किन की फॉर्मेशन हो जाएगी ठीक है मैकेनिज्म कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं था है। बिल्कुल अपने नीट के लिए तो बिल्कुल ही भूल जाओ यार ये मैकेनिज्म से अपना कोई लेना देना भी है कोई लेना देना नहीं है ये तो बस हम डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं हुआ कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है ना अब देखो ये तो हो गई यार नॉन टर्मिनल एल्काइन की बात बट कभी हमें अगर टर्मिनल एल्काइन की बात करनी पड़ गई तो क्या करेंगे देखो यार ये तो हो गई नॉन टर्मिनल एल्काइन की बात अब हमें ना टर्मिनल एल्काइन की बात करते हैं देखो टर्मिनल एल्काइन टर्मिनल टर्मिनल एल्काइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार ध्यान देके क्वेश्चन को सॉल्व करना कि टर्मिनल है कि नॉन टर्मिनल है देखो टर्मिनल एल्काइन होगा तो कैसे किस तरह से दिखेगा हमें देखो सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच ये होगा टर्मिनल एल्काइन यहां पर इसके बाद कोई और नहीं है एल्काइन ग्रुप टर्मिनल पोजीशन पे अब होता क्या है ना कि जब हम इसके रिएक्शन कराते हैं ना यार एन एन एच टू लिख देता हूं ठीक है ना ठीक है जब इससे अपन रिएक्शन कराते हैं ना ठीक है तो होता क्या है कि ये अब देखो Na+ प्लस एन ए प्लस और NH2- टू माइनस ठीक है एन ए प्लस और एन एच टू माइनस ये NH2- टू माइनस बहुत अच्छा बेस है ठीक है ना ये एन एच टू माइनस क्या है ये बहुत अच्छा बेस है और बेस क्या खोजता है H प्लस खोजता है बेस को क्या चाहिए H प्लस चाहिए अब ये H प्लस आएगा कहाँ से कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यार ये जो टर्मिनल अल्काइन ग्रुप होता है ना ये हाईली एसिडिक होता है क्यों क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अच्छी खासी है यार देखो ये कोई भी एसिड अच्छा जब होता है जब वो एच प्लस को आसानी से दे दे एच प्लस उसी स्पीशीज़ में से जाता है जिस स्पेशी में एच प्लस जाने के बाद स्टेबिलिटी मेंटेन रहे देखो अब इसमें से एच प्लस जाएगा तो सी एच थ्री सी ट्रिपल वन सी माइनस बचेगा तो क्या इस एनाइन की कार्बन एनाइन की स्टेबिलिटी है कि नहीं है बिल्कुल स्टेबल है क्यों क्योंकि ये जो एल्काइन ग्रुप है ना

चाहेगा तो ये हाइली एसिडिक एच हो गया ठीक है ये एनएच2 माइनस इससे एच ले लेगा ठीक है तो क्या फॉर्म करेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे Na प्लस ठीक है ये C माइनस Na प्लस ये एक स्पीशी बन जाएगी और ये NH3 यहाँ से बाहर चला जाएगा ठीक है यार ये दोनों में ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये स्पीशी है ना आगे फिर है ना अपने पास एल्काइल हेलाइट से भी रिएक्ट करके कुछ अच्छी एक रिएक्शन देती है न्यूक्लोविक रिएक्शन देखो उसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन देखो अपने पास क्या होगा कि शुरुआत में ना अपने को ऐसे लिख के दिया होगा सी एच थ्री है ना सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच इसमें आपकी रिएक्शन करानी पड़ेगी आपकी एन ए एन एच टू से ठीक है और दूसरा पहले तो इसका अटैक फिर दूसरा आएगा सी एच थ्री CH3I का टैक अब क्या होगा कि पहले तो यही बनेगा कैसे यार ये एच को उड़ाकर ले जाएगा और N को यहाँ छोड़ जाएगा तो सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस और एन ए प्लस ठीक है ये अब क्या होगा ये सी एच थ्री अब देखो अब ये सी एच थ्री है ना यहाँ पे आई सी एच थ्री ठीक है तो ये, ये चीज है ना अब क्या होगा कि रिएक्शन शो करते हैं तो ये बहुत अच्छा है है ना ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल फाइल है तो इसको क्या करेगा ये आई माइनस को ना सब्सिट्यूट कर देगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये चीज बनेगी यहाँ पे आई माइनस को ये, ये कर देगा ये वाली स्पीसीट्यूट करेगी आई माइनस को तो बनेगा क्या सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी और यहाँ पर सी एच थ्री प्लस एन ए आई यहाँ से बाहर चला जाएगा यार बहुत इंपॉर्टेंट है पीएमटी में क्वेश्चन आ भी चुका है ये अपने पास ठीक है ना ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसका याद रखना न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक्स रिएक्शन शो करती है ये वाली स्पीशीज तो कहां से आया नो ये टर्मिनल के केस के अंदर देखो नॉन टर्मिनल नॉन टर्मिनल काइन के केस के अंदर ट्रांस की फॉर्मेशन होती है बट टर्मिनल एल्काइन के केस के अंदर इद, इस तरह से फॉर्मेशन होता है एसिड बेस रिएक्शन होता है क्यों क्योंकि एन टू माइनस एक बहुत अच्छा बेस है ठीक है ना अब है, अब हम ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ठीक बताओ पॉज करके सॉल्व करो यार क्या बनेगा देखो आई होप सब सॉल्व कर लिया होगा अब देखो करना कैसे यार देखो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट ये डबल बॉन्ड को तो रिड्यूस नहीं करता एल्कीन को तो रिड्यूस नहीं कर रहा है ना आगे यार नहीं करेगा सिर्फ

CH3 ग्रुप यहाँ पर ठीक है तो इस तरह से याद रखना यार एल्कीन को मत करके आ जाना रिड्यूस एल्काइन ही होगा सिर्फ ठीक है ना पक्का अब देखो यार थर्ड टाइप की रिएक्शन क्या शो करता है देखो अब इंपॉर्टेंट देखो मान लो आपको ना ये थर्ड टाइप की रिएक्शन दिखाते हैं देखो मान लो आपको इस टाइप का कुछ दिया है ठीक है ये बेंजीन रिंग है यहां पर ना कोई ग्रुप एम लगा है ठीक है तो इस ग्रुप एम लगाए अब देखो ये एम माइनस एम भी हो सकता है ये एम प्लस एम भी हो सकता है देखो यदि माइनस एम है तो क्या होगा और प्लस एम है तो क्या होगा ठीक है ना यहाँ पे अगर प्लस एम है तो क्या होगा होगा क्या कि एक पाई बॉन्ड रिड्यूस होगी इसमें तीन पाई बॉन्ड होगी ना यार कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना एक ही तो बात है ये ऐसे एक ही तो बात होगी इसकी देखो जो माइनस एम ठीक है ये ये अपने पास इस तरह से ना ये प्लस एम इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है थीके? तो अब होगा क्या कि इंपॉर्टेंट अपने पास क्या है कि ये जो है ना देखो अगर हमने इसमें डाला ना लिक्विड अमोनिया इन एन ए मतलब एनए और लिक्विड अमोनिया ऐसे भी लिख सकते हैं इसे हम ठीक है इसमें हमने एनएनएच टू डाला तो होगा क्या माइनस एम के केस में ना है ना क्या होगा कि इस तरह से बनेगा देखो अभी बताते है. इस तरह से बनेगा माइनस एम के केस में एक पाई बॉन्ड रिड्यूस होगी और इस तरह से होगा ये माइनस एम के केस के के में होगा और ये चीज होगी प्लस एम के केस के, के अंदर ठीक है ये चीज प्लस एम के केस के, के अंदर होगी ठीक है ना यार बहुत इम्पोर्टेंट बात है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि देखो पाई बॉन्ड जो है ना ये एक दूसरे के सामने ही आएगी दोनों केस में बट एक केस में इस वाले कार्बन के बिल्कुल साथ में आएगी और एक केस में इससे धूर आएगी माइनस एम वाले में इससे धूर आएगी और प्लस एम वाले में इससे पास आएगी इसको आप एज इट इज याद करो यार मैकेनिज्म में पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है डायरेक्टली पूछा जाता है ठीक है ना तो ये डायरेक्टली कैसे पूछा जाता है आपको इस तरह से भी नहीं देंगे वो आपको देंगे इस तरह से कि यहाँ पर ना आपको ग्रुप पहचानने आना चाहिए माइनस एम और प्लस एम ग्रुप लाइक अपन ना कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे अपन यहाँ पे लेते हैं कि अपन ने इस तरह से कुछ लिया है ऊपर नाइट्रो ग्रुप है अभी हम जानते हैं कि जो नाइट्रो ग्रुप है ये माइनस एम ग्रुप है है ना? ये माइनस एम ग्रुप है तो इसमें जब अपन एन ए एन एच टू डालेंगे ना तो एन एन एच टू डालेंगे तो दूर पाइपोन कहाँ कैसे आएगा दूर आएगा तीन में से एक पाई बोंड तो रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है बहुत अच्छा ठीक है और एन टू ग्रुप ऐसे का ऐसा ही लगा रहेगा और अपन एक प्लस एम का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं ठीक है ना ये प्लस एम का एग्जाम्पल हो जाएगा अपने पास ओ सी एच थ्री ले लेते हैं ये प्लस एम ग्रुप है ठीक है ये प्लस एम कैसे है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा अंदर ठीक है इसमें एन ए एन एच टू डालेंगे तो क्या होगा कि पाई बोन्ड जो है वो पास में ही रहेगा ठीक है ना पैरेलल रहेगा एक दूसरे के आमने सामने रहेगा और इस वाले कार्बन के जिस कार्बन से अपना जो फंक्शनल ग्रुप है वो अटैच है ठीक है तो ये है और इसके मैकेनिज्म में मत पड़ो कोई अपने पास फायदा नहीं करने का मैकेनिज्म ठीक है ना अब देखो डायरेक्टली पूछा जाता है ठीक है ना अब अगली रिएक्शन देखो यार एनई एन एच टू है ना अब आपको ना कंफ्यूज कंफ्यूजन हो सकती है अब देखो चौथे रिएक्शन जो एल्काइल हैलाइड होते हैं ना हैलाइड जो होते हैं एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करते हैं ना जब एन एन एच टू से एन एन एच टू से तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होती है भाई डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिडक्शन नहीं होता है डी हाइड्रो होती है जिसको हम एलिमिनेशन बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं इ टू मैकेजम से डी हाइड्रो होती है ये वाली डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन जब पढ़ेंगे बट याद रखना कि यार एल्काइल हैलाइड जब एन एन एच टू से रिएक्ट करता है ना बेस है देखो यहाँ पर अपन एस एन वन एस एन टू में पढ़ते हैं ना और ई वन ई टू में पढ़ता है बेस की स्ट्रोंग बेस अपने को E2 में पता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बेस एलिमिनेशन कराता है तो ये एन ए एन एच टू यार एन एच टू माइनस कितना अच्छा बेस है कितना तगड़ा बेस है ठीक है ना तो ये तगड़ा बेस है तो से एलिमिनेशन कराता है कैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो कराएगा क्या डी हाइड्रो डी हाइड्रो हेलोजिनेशन करा देगा यहां पर रिडक्शन भी नहीं होने वाली है ठीक है ना ये पक्का याद रखना नहीं तो यार गड़बड़ हो जाएगा मामला ठीक है ना तो यहां पे देखो जैसे मैं मान लो एक एग्जाम्पल ले लेता हूं सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एल इसमें आपने डाला एन ए एन एच टू तो, ठीक है तो ये बेस है तो यार ये यहां से इसको उड़ाएगा यहां से और यहां पर डबल बॉन्ड बनाएगा ठीक है ना इसका डिटेल E1, E2 में पढ़ गए टेंशन लेने की जरूरत नहीं बट हाँ अभी हम रिडक्शन पढ़ रहे हैं तो यार रिडक्शन तो बिल्कुल भी नहीं कराने वाला ठीक है ना रिडक्शन नहीं होगा केस के अंदर अपने पास तो अपने पास क्या बन के आ जाएगा ये अपने पास वन के आ जाएगा यहाँ से ना एलिमिनेशन होता है देखो बीटा कार्बन से ना यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है ई टू मैकेनिज्म से होता है ठीक है ना वो अपन बाद में डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे तो यार ये लिक्विड अमोनिया से रिलेटेड चारों रिएक्शन हमने डिस्कस कर ले कर लिए अब हमें ना मेटल और एसिड की प्रेजेंस में जो भी जो भी रिएक्शन रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना जो मेटल एसिड अल्कोहल और पानी इन इन सब की रिएक्शन अपन करते हैं ठीक है तो चलो यार अगला डिस्कस करते हैं अपन मेटल की एसिड मेटल प्लस एसिड मेटल प्लस वाटर और मेटल प्लस एल्कोहल तो अब इसमें ना सात तरह के रीजन हमने देखने को मिल जाते हैं अपन सात तो लिख लेते हैं उनमें से कोई एक सबका काम सिमिलर ही होता है वो डिफ्रेंशिएट जहां पे अपन को करना होगा वो अपन कर लेंगे कोई टेंशन नहीं है ठीक है ना अब देखो सबसे पहले होगा क्या कि सबसे पहले ना इसमें आता है अपने पास एस एन प्लस एच सी एल ठीक है ना सेकेंड इसमें पास आता है अपने पास एस एन प्लस एच टू ठीक है ना थर्ड इसमें अपने पास एग्जाम्पल होता है एफ ई प्लस एच सी एल और फोर्थ इसमें एग्जाम्पल होता है अपने पास एफ ई प्लस एच टू ओ ठीक है फिफ्थ एग्जाम्पल अपने पास इसमें होता है जेड एन प्लस एच सी एल ले सकते हैं हम इसमें ठीक है सिक्स्थ अपने पास होता है एन ए प्लस सी टू एच फाइव ओ एच ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ये इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट है एस एन एस सी एल बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है अब क्या है सेवंथ क्या ले सकते हैं अपन इसमें एन ए प्लस एच टू भी ले सकते हैं ठीक है थीके? और हम क्या ले सकते हैं एथ अपन क्या ले सकते हैं जेड एन सी यू प्लस सी टू एच फाइव ओ एच ठीक है plus C2H5OH, तो ये मेटल प्लस इनका कॉम्बिनेशन ये सारे बहुत ये ना रिड्यूसिंग एजेंट्स है सारे ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स है अब यार अपनी कॉपियों में ना बिल्कुल मार्क करके स्टार मार्क करके लिख लो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टार मार्क कर लो कि क्या है ये जो है ना ये ये जितने भी मैंने रिड्यूसिंग एजेंट यहां लिखे हैं ये रिडक्शन किसका करते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे कि दे रिड्यू दे कैन रिड्यूस दे कैन रिड्यूस दे कैन रिड्यूस पाई बॉन्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार दे कैन रिड्यूस पाई बॉन्ड बिटवीन टू हेट्रो एटम्स बिटवीन टू हेट्रो एटम ठीक है यार कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यह होमोहेट्रो का क्या चक्कर है ठीक है ना होमोहेट्रो मतलब देखो जैसे कल की वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था कि देखो जैसे ये कार्बन और कार्बन है ये दोनों सेम है तो सेम एटम के बीच में मल्टीपल बोन्ड्स का होना होमो कंपाउंड और ये हो जाएगा अपना हेट्रो अलग अलग के बीच में मल्टीपल बोन्ड होना तो मतलब क्या है कि इंपॉर्टेंट अपने पास क्या है कि देखो मैच करो देखो पाई बोन को रिड्यूस करेगा पहली बात तो सिग्मा को नहीं करेगा सिर्फ पाई बोन को रिड्यूस करेगा मतलब इस वाली बोन को बिल्कुल हेट, हेट्रो एटम के बीच की मतलब कार्बोनिल ग्रुप हो जाएगा आपके पास नाइट्राइल ग्रुप हो जाएगा इनका रिडक्शन करेगा ठीक है ना अब देखो इंपॉर्टेंट है ये चीज़ मार्क कर लेना यार सिमिलर को नहीं करता अब देखो अपन जल्दी जल्दी बातें करते चलते क्वेश्चन करते चलते हैं एक क्वेश्चन की फॉर्म में चीज़ों को समझते हुए चलते देखो पहली बात क्या है कि अगर कभी ऐसा लिखा आ जाए अपने पास एग्जाम में और ये ऐसे पोल है आपके पास एस एन प्लस एस सी एल तो क्या रिएक्शन होगा क्या यार बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं होगा काटा मार दो क्योंकि होमो के बीच में तो करता ही नहीं हेट्रो के बीच में करता है ठीक है ना तो इसको मतलब एल्कीन की रिडक्शन नहीं करता है ठीक है नहीं करेगा सेकंड क्या है ना ही एल्काइन की करेगा यार एस सी ट्रिपल पोट ये कभी ये लिख कर आ जाए और यहाँ पर एस एन एस सी तो इसके भी नहीं करेगा यार इसको भी काटा मार के आ जाना तीसरा अब बताना तुम यार देखो सी एच थ्री सी एच टू ओ एच बताओ क्या इसकी करेगा क्या अरे बिल्कुल भी नहीं करेगा भाई इसके बीच में सिग्मा बोन्ड है नहीं करेगा बिल्कुल नहीं करेगा ठीक है ना एल्कोहल की भी रिडक्शन नहीं करता है ये ठीक है ना अब कर्जा किसके उसकी बात कर लेते हैं देखो यार अब है ना इंपॉर्टेंट बात समझते हैं पर सबसे पहले ना इस वाले की बात कर लेते हैं इससे आपको सब समझ में आ जाएगा ठीक है ना देखो ये जो एस है ना एस ये एस है ना ये क्या करेगा ये एस है ना दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा माइनस टू इलेक्ट्रॉन देखे दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो एस एन प्लस टू में जाएगा ठीक है एस एन प्लस टू में जाएगा एस एन प्लस टू में जाएगा फिर यहां से अगर दो इलेक्ट्रॉन और लूज कर देता है तो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा एस एन मैक्सिमम प्लस फोर शो कर सकता है ठीक है यहां से यह चला गया तो यार करने का क्या मतलब है यार देखो कोई चीज खुद ऑक्सीडाइज होगी तो दूसरे को जब भी तो रिड्यूस कर पाएगी ना है ना ये ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद खुद को तो इसको ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा ना तो इसकी ऑक्सीडेशन हो गई अब देखो इसकी ऑक्सीडेशन हुई तो उससे फायदा हमें क्या हो गया कि देखो ये एस एन सी एल टू देखो ये एस एन प्लस टू बनाना यहां पे तो एस सी एल भी अपने पास कर, इसके अंदर एस सी एल क्या करेगा कि यहां से ना इसको दो सी एल टू यहां से टू एस सी एल एड करेंगे यहां पे अपन तो अपने पास क्या बन जाएगा एस एन सी एल टू बन जाएगा ठीक है और अपने पास टू एच प्लस फ्री हो जाएंगे टू एच प्लस फ्री हो जाएंगे मतलब प्रोटोन मतलब हमें तो रिडक्शन के लिए एस से मतलब है है ना हमें तो रिडक्शन के लिए सिर्फ एच से मतलब है तो हमें तो एच मिल गया हमारा काम बन गया तो देखो अब मैंने अपने थमनेल में लगा रखे कि वट इज द डिफरेंस बिटवीन एस टू है ना एंड एस एन प्लस एस सी एल और एस एनसील टू प्लस एस सी एल दोनों में अंतर है यार देखो अगर एस एन प्लस एस सी एल लिखा है तो अपने को क्या करना है एस एन प्लस एस सी एल लिखा है तो अपने पास चार प्रोटोन आने वाले क्यों यार चार प्रोटोन हमें मिलेंगे कैसे मिलेंगे पहले यहां आएगी एस एन प्लस टू में जाएगा फिर एस एन प्लस फोर में जाएगा तो हमें तो डायरेक्टली ये यहां से यहाँ जाएंगे ना अपन तो अपन फोर एस सी एल एड करेंगे यहाँ पे एस एनसीएल फोर बन जाएगा बट अगर एस एनसीएल टू लिखा है पहले से एस एनसीएल टू प्लस एस सी एल लिखा है तो अपन तो ऑलरेडी यहां पर खड़े हैं यहां से यहां जाएंगे तो सिर्फ हमें दो ही तो प्रोटोन एक्सट्रेक्ट होंगे ना तो इससे हमें टू प्लस एट्रैक्ट होंगे ठीक है दो ही प्रोटोन हमें एक्सट्रैक्ट होंगे तो अब देखना डिफरेंस कहाँ क्रिएट होगा रिएक्शन का कैसे अब इसमें रिएक्शन में रोल कैसे अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये देखो यहाँ पर ना अपन क्या बात कर रहे हैं चौथे नंबर की बात करते देखो अगर आपको इस तरह से कहीं लिखा दिख जा रहा है ना यार मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है यार ध्यान से देख लेना ठीक है तो एस एन प्लस एच सी एल अभी मैंने बोला है आपको पाई बॉन्ड बिटवीन हेट्रो एटम को रिड्यूस करेगा तो ये तो अपना क्राइटेरिया सेट है कि यहाँ हेट्रो एटम है और यहाँ पर अपने पास दो पाई बॉन्ड है दो पाई बॉन्ड एक पाई बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए दो यार इसको तो इसको रिड्यूस करेंगे तो एक एच यहाँ आएगा और एक एच यहाँ तो हमें एक पाई बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए दो हाइड्रोजन चाहिए अब सेंस यहाँ पे एसन है तो एसन प्लस एस लिखा है तो अपने पास चार हाइड्रोजन है और हमें पाई बॉन्ड भी कितनी रिड्यूस करनी है दो दो को करने के लिए चार हाइड्रोजन चार प्रोटोन की हमें जरूरत है तो हमें इससे चार प्रोटोन मिल जाएंगे तो अपने पास क्या आएगा देखो एक तो एक ये और एक हाइड्रोजन तो तो क्या भाई बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल is, तुम याद करो, मजा आ जाएगा। ठीक है तो ये एन एस टू सिंपल सा फंड है अगर ऐसा लिखा होता अगर यही सेम चीज में आपको अगर ऐसे लिख करके दे देता ना यार देखो अगर एसेंसियल टू लिखता

एक एच आ जाएगा तो ये क्या बनेगा देखो यहाँ पर अमाइन बनता है प्राइमरी अमाइन यहाँ पर इमीन बनता है इमीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इमीन फॉर्मेशन होता है ठीक है अब इसी से मिलता जुलता अब है ना इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन आ जाती है यहीं पे इसी से रिलेटेड अपनी क्या देखो अपने पास है ना स्टेफन्स रिएक्शन आप सबने सुना होगा स्टेफन्स रिएक्शन स्टेफन्स

एसेंसीएल टू प्लस एससीएल लेते हैं तो ये तो मैंने बता दिया कि यार दो ही प्रोटोन मिल पाएंगे SNCL2 है टू तो, सेंस ठीक है तो दो ही प्रोटोन मिल पाएंगे तो एक ही पाइपोड रिड्यूस हो पाएगा ठीक है तो एक पाइपोन्ड अपन रिड्यूस कर दे रहे हैं ठीक सी ए डबल बोंड एन एच अब क्या करें यार एल डी हाइड बनाना होता है इस रिएक्शन में ना एल डी हाइड फॉर्म होता है अब क्या करते हैं पहला अटैक हम इसका कराते हैं दूसरा अटैक हम पता है किसका कराते हैं दूसरा अटैक अपन पानी का कराते हैं एच टू ओ का अटैक कराते हैं अब देखो यार एच टू का अटैक करने का ट्रिक रहता है एक सिंपल सा बिल्कुल सिंपल ट्रिक रहता है आप क्या करो कि देखो ये पानी है ना ये दो चीजों में तोड़ो देखो ओ एच और यहां H ऐसे होगा ठीक है तो एच प्लस और ओ एच माइनस करो ठीक है ना क्या करना है तो कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव यार ये एन इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज्यादा है तो मतलब क्या जी? यहां नेगेटिव है उसकी तरफ पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा ठीक है ना तो ये एच इसके पास चला जाएगा और ओ OH एच इसके पास आ जाएगा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो यहां पर ना अब देखो अपने पास हाइड्रोलिस करनी है कितनी बोंड की करनी है एक दो दो बोंड की करनी है तो दो एच टू में चाहिए होंगे ठीक है अब दो एच टू चाहिए देखो आप अलग से हाइड्रोलिस की रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पर ये यह देखो सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड एन एच अब दो हाइड्रोलिसिस चाहिए ठीक है तो एक ओ एच OH यहाँ पर एक एच यहाँ एक ओ एच यहाँ पर एक एच यहाँ और अब इसको काट दो बीच में से काट दो अब बनेगा क्या देखो काटते क्या बनेगा का अपने पास इंपॉर्टेंट क्या है देखो सी एच थ्री सी एच ये एक वो एच यहाँ पर और एक वो एच यहाँ पर प्लस एन एच थ्री तो एन एच थ्री तो अपने पास बाय प्रोडक्ट मिलता ही है इम्पोर्टेंट है ठीक है इम्पोर्टेंट है अब देखो मैंने कल आपको बताया था कि एक कार्बन पे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, है ना स्टेबल नहीं होते तो यहाँ से पानी का रिमूवल हो जाएगा ये पानी रिमूव हो जाएगा यहाँ से ठीक है ना पानी रिमूव होगा तो बनता क्या है पानी रिमूव होने से क्या हो जाएगा तो यहाँ पे आपके पास एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता नजर आएगा आपको

अपन देखो इस तरह से ले लेते हैं इस पर अपन है ना आप क्या करते हैं रीजन चेंज कर देते हैं करते है चेंज देखो एनी इन सी टू एच फाइव वो एच ले लो सी टू एच फाइव अब देखो यार तो सा, तो यार तो 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 और और भी अच्छा एलिमेंट्स है। ये तो और जल्दी लूज कर देगा ठीक है और जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये कोई किसी भी पाई बॉन्ड को नहीं छोड़ेगा अभी एस एन में तो एसेंशियल टू और एस एन में डिफरेंस है ना अभी एनए में तो कोई चक्कर नहीं है जितनी भी पाई बॉन्ड्स है ना बिटवीन हेट्रो एटम्स ये देखो पाई बॉन्ड्स है ना ये हेट्रो एटम है दोनों

ये ऐसे हो जाएगा तो ये सी और ओ के बीच में पाई है। हेट्रो एटम है सी और ओ हेट्रो हो गए दोनों है ना सेम नहीं है इनके बीच में जो पाई है ये रिड्यूस हो जाएगी एन ए इन सी टू एच फाइव ओ एच अब देखो यहाँ जब एक एच यहाँ आ जाएगा और एक एच यहाँ आ जाएगा इंपॉर्टेंट है ना देखो ये सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एच ये बनेगा कि नहीं एल्कोहल में हमें सबको पता है यार एसिड से पहले एल्डिहाइड बनता है फिर एल्डिहाइड से अल्कोहल बन जाता है ठीक है ना सेम नंबर ऑफ कार्बन का एल्कोहल बन जाएगा ठीक है ऐसे ही आप कीटोन ले सकते हो अगर कीटोन लेते हो अगर आप ये जैसे अपने पास कीटोन है और इसकी रिडक्शन कराते हो एन एन सी टू एच फाइव ओ एच से तो यार सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा है ना ये प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म हुआ था बट इसका करोगे देखो ये पाई बोन रिड्यूस करोगे एक पाई बोन यहाँ से तो क्या होगा सी एच थ्री एक यहाँ पर और एक एच यहाँ पर सी एच थ्री सी एच ओ थ्री है ना तो ये सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म होगा अब इंपॉर्टेंट सुनो भाई साहब एस्टर अब क्या करता है देखो एस्टर का भी ये रिडक्शन कराता है देखो एस्टर सी एच ठीक ठीक है 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 ये इथाइल ना एस्टर है ये अब एस्टर का भी रिडक्शन कराएगा इन सी टू एच फाइव ओ एच ठीक है अब होता क्या है ना कि देखो एन ए जो है एन ए क्या करेगा एन ए अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एन ए प्लस में जाके प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा एन ए प्लस चला गया अब ये एन ए प्लस क्या करेगा सी टू एच फाइव माइनस है और यहाँ से एच प्लस निकलेगा ये माइनस था ये प्लस के साथ कंबाइन हो जाएगा ठीक है ये अलग और ये एच अलग अब हमें एच प्रोटोन मिल गया ये प्रोटोन कहाँ से आएगा ये इथेनॉल से आएगा ये प्रोटोन कहाँ से आएगा भाई मेरे ये इथेनॉल से आएगा ये प्रोटोन ठीक है ना तो ये प्रोटोन इथेनॉल से आएगा तो ये प्रोटोन को ना अपन यहां ले जाते हैं देखो इन दोनों में से ना होगा क्या कि देखो इस तरह से होगा जब ये प्रोटोन यहाँ जाके इस कार्बन पर अटैक करेगा ना क्योंकि यार ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा है तो इस पर डेल नेगेटिव होगा इस पर डेल पॉजिटिव होगा तो ये एच आके यहाँ पे अटैक करेगा कार्बन के ऊपर ठीक है ना तो सी एच थ्री सी यहाँ पे एच आ जाएगा ये ओ माइनस और ये ओ सी टू एच फाइव ठीक है ना अब क्या होगा जब ये अपना इलेक्ट्रॉन दोबारा लेगा तो यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा ठीक है ना तो अपने पास क्या बन जाएगा अपने पास बन जाएगा एल्डिहाइड एल डी हाइड प्लस सी टू एच फाइव ओ अब ये इधर से फिर से प्रोटोन एक्सट्रक्ट कर लेगा ये एच प्लस यहाँ से ये एच प्लस यहाँ से ये इससे एच प्लस फिर से एक्सट्रेक्ट कर लेगा ये एच प्लस यहाँ अटैक कर देगा तो एक अल्कोहल तो अपने पास तैयार हो गया अब ये इसको भी नहीं छोड़ेगा यार इसको भी क्यों छोड़ेगा ये भी तो हेड्रो एटम है फिर से रिडक्शन होगा तो ये पाई बॉन्ड रिड्यूस करोगे तो अभी हमने ऊपर करा ये पाई बॉन्ड रिड्यूस देखो एल डी हाइड से क्या बन जाएगा एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा ठीक है ना सी एच टू ओ एच ठीक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी अब हम अब हम बात करेंगे डायबल एच की तो चलो यार आगे डिस्कस करते हैं अपन एच एच ये की फुल फॉर्म क्या होती है डी डाई आई से से एल करतेमिनियम और एच से हाइड्राइड ठीक है अब देखो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं पहले अपन डाइबल एच का ये स्ट्रक्चर होता है यार इसका ठीक है ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है डाइबल है मतलब दो आइसोब्यूटाइल ग्रुप होंगे ठीक है ये इसका ग्रुप और यहां एक हाइड्रोजन लगा होता है ठीक है ना ये हाइड्राइड ग्रुप ठीक है ये इसका स्ट्रक्चर होता है अपने पास ठीक है ना अब इसका काम क्या है ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है अब देखो किस किस को रिड्यूस करता है इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके अंदर देखो सबसे पहले क्या है कि ये आर सी एन को ना एल डी हाइड में कन्वर्ट करता है आर सी ओ आर सी एच ओ में ठीक है आर सी एल डी हाइड में कन्वर्जन किसी को भी ना ये एल्कोहल में नहीं जाने देता ये सबको एल डी हाइड पर रोक लेता है ठीक है ये रिड्यूस तो करेगा सबको पर एल डी हाइड पर ही रोक लेगा ठीक है ये वाली तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कैसे हुई है ठीक है ना ये और देखो एस्टर हो चाहे आर सी ओ ओ, ओ आर ड हो चाहे एस्टर ओ इसको भी ये एल डी हाइड में पहुंचा देता है ठीक है ना इसको भी एल डी हाइड में एसिड हो देखो चार ही बनंदों को करता है ये आर सी ओ ओ एच इसको भी ये एल डी हाइड में पहुंचाएगा आर सी एच ओ के अंदर ठीक है और भले ही एसिड क्लोराइड हो आर सीओ सी एल हो इसको भी ये इसमें ही पहुंचाएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है ठीक है ना अब देखो यार करना क्या है इसमें ठीक है अब हम इसमें से किसी एक को लेकर पहले फिर आगे अपन बात कर लेंगे इसके ना देखो मैंने एस्टर ले लेता हूं देखो ये देखो आर सी ओ डैश ठीक है ये मैंने मैंने एस्टर एस्टर लिया एक एस्टर में ना क्या रखा कि ये ही ले लिया मैंने एलुमिनियम ये 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 ऐसे ये ऐसे है ना इसके ना दो ये ऐसे भी लिख सकते हैं मैं ना और यहां पे ग्रुप है तो अब देखो यार होगा क्या है ना जब इसकी रिएक्शन आप उससे कराओगे तो देखो अब ये अल्युमिनियम है ना ये यार कितनी बोन्स बना रहा है कितनी बोन्ड बना रही है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है यार वेकेंट मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कोई मतलब छह इलेक्ट्रॉन है

ओ ओ आर डैश है ठीक है एल्यूमिनियम ये ऐसे ऐसे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा इनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बननी शुरू हो जाएगी ठीक है ना और ये ऐसे का ऐसा ही था ठीक है तो सिग्मा बॉन्ड बननी शुरू हो जाएगा और यहाँ पे एच अपना ठीक है अब क्या होगा ना कि होगा क्या कि देखो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है यहां पर आ, ये देखो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पर डेल पॉजिटिव चार्ज होगा यार ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ खींच लेगा इसके ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव डेल पोज़िटिव छोड़ देगा तो क्या होगा कि ये जो हाइड्राइड है ना अब ये माइनस चार्ज को अपना न्यूट्रलाइज करना चाहता है तो ये क्या करेगा ये ये हाइड्रोजन नहीं इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा ये इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा और यहां पे जाके अटैक करेगा ठीक है ना यहां पर जाके अटैक करेगा तो क्या करेगा देखो आर सी अब इस तरह बन जाएगा आर एच ठीक है ये ओ माइनस ठीक है ये ओ माइनस और एल्यूमिनियम के साथ इसकी बॉन्डिंग पहले से थी ठीक है ना ये एल्युमिनियम के साथ इसकी पहले से बॉन्डिंग थी ठीक है अब क्या होगा ना ये ओ आर अपने पास है पहले से मौजूद अब क्या होगा कि पानी क्या करेगा ना पानी आएगा पिक्चर में पानी क्या करेगा ना अभी ये फिर से इस, इसकी वैकेंसी क्रिएट हो गई इसके वैकेंट ऑर्बिटल है अब पानी आएगा पिक्चर में तो पानी आएगा ये पानी अपने लोन पे फिर से इसको डोनेट कर देगा ये फिर से जाके न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये बोन टूटने लगेगा ये बोन टूटेगा ऑक्सीजन अपने लोन पे वापस लेगा और ये लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर चला जाएगा ठीक है ना ये लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर चला जाएगा तो अपने पास बनेगा क्या ये सी ओ ओ और एच अपने पास एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा यार देखो मैकेनिज्म कोई एज मच को इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट बात नोट करने लायक ये है कि ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर आया है ना ये कहाँ से आया है यार ये यहाँ से आया है ये ये हाइड्रोजन है है ना हाइड्राइड से आया ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर लगा है ना ये मतलब ट्रिक के पे डायरेक्टली देखो यार कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो हटा और एच लगाओ वो हटाओ ये हटाओ और एच लगाओ इसमें भी ये हटाओ और एच लगाओ ये हटाओ और एच लगाओ देखो बट आर इनके केस में कन्फ्यूजन हो सकता है अब आप लोगों को यार देखो एक ट्रिक है वैसे तो ये एक ही हाइड्रोजन देता है ठीक है बट मैं आपको कह रहा हूँ ट्रिक के दौर पे ना आप इसको ऐसे याद रखो कि है 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 ना एच, ये टू डोनर है, ये सिर्फ ठीक ट्रिक है ट्रिक है सिर्फ ये ट्रिक है कि ऐस, आप ऐसा याद रखो डाइबल एच टू हाइड्रोजन डोनर है ठीक है टू हाइड्रोजन डोनर है ठीक है अब देखो आरसीएन का केस आर के केस देखते हैं, ठीक है, अब होगा क्या ना ये देखो अब मैंने कहा ये टू हाइड्रोजन डोनर है और हमें पता है कि ये रिडक्शन होगा अब दो तो हाइड्रोजन एक ही पाइप उनको रिड्यूस कर सकते हैं तो कर दो इसको कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आर सी एच डबल बॉन्ड एन एच

आर सी एच एक ओ एच यहाँ पर और एक ओ एच यहाँ पर और एन एच थ्री अपने पास बाहर चला जाएगा इंपॉर्टेंट है एनएच थ्री अपने पास बाहर गया इसको गेम से आउट कर दो अब क्या है कि एक एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोक्सी हैड्र, ग्रुप स्टेबल नहीं है तो क्या होगा कि यहाँ से एक पानी का रिमूवल हो जाएगा एक पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा और फाइनली अपने पास क्या बन जाएगा यार आर सी एच ओ यार बहुत इंपॉर्टेंट था आज के डिस्कशन में ना ये मतलब फाड़ू था सब कुछ ठीक है ना इम्पॉर्टेंट था बहुत इंपॉर्टेंट था एक बात खास याद रखना यहां पर यार आप लोग कि जब इसकी रिडक्शन होगी ना तो इसकी रिडक्शन से एक तो ये तो बनेगा ही बनेगा ये कैसे बनेगा हमने यहां डिस्कस कर लिया तो जो ये लिविंग ग्रुप बाहर निकला था ओ आर माइनस है ना ये इसमें ये क्या करेगा ये पानी से H प्लस एस कर लेगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा R तो एक एक एल डी हाइड और एक बनेगा एल्कोहल ये भी कभी कभी बी प्रोडक्ट की फॉर्म में पूछ लेते हैं तो थैंक यू गाइज यार आज की वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में अपन एल आई एल एच फोर एन ए बी एच फोर रेड फोस्फोरस विद एच आई है ना क्लीमस Clemens, रिडक्शन uh, है ना एंड वोल्व किसना रिडक्शन अगले वीडियो में अपन ये सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे तो स्टे ट्यून गाइज बी हैप्पी मस्त पढ़ाई करते रहो और यार एक छोटी सी एडवाइस अपने बड़ा भाई मान के तुम्हें दे रहा हूं यार कि है ना फालतू तो की कि किताबें पढ़ने में बिल्कुल ध्यान मत दो बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ो यार आपको सबको पता है कि दस किताब सोल्व करने से आप लोग सिलेक्ट नहीं होने वाले हो आप एक ही किताब को दस बार सोल्व करो यार है ना उससे आपको बहुत फायदा होगा है ना बड़े भाई मान के तुम मेरी बात मानो यार एक ही किताब को दस बार सोल्व करो दस किताबों के चक्कर में मत भागो कि वो मेरा दोस्त फलाने ये कर रहा है तो मैं भी वही करूँगा ठीक है बड़ा भाई मान के मेरी बात मानो है ना थैंक यू गाइस सो मच है ना आप लोग बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट कर रहे हो है ना डू सब्सक्राइब माई चैनल यार प्लीज है ना और खुश रहो सारे थैंक यू थैंक यू वेरी मच